डिविजनल पब्लिक स्कूल अपने शानदार एकेडमिक रिकॉर्ड की तरह अपनी शानदार रिवायतों को भी बरकरार रखे हुए हैं। आज जो है दूसरा रोज है डिविजनल पब्लिक स्कूल में ऑल पाकिस्तान एजुकेशनल ओलंपियड का, जिसमें पाकिस्तान भर के लीडिंग स्कूल्स के तलबा तलबात की कसीर तादाद ने मुल्क भर से शिरकत की है। सिंध हो, सरहद हो, बलोचिस्तान हो, केपीके हो, पंजाब हो, हर जगह से तालिब इल्म यहाँ पर आए और यहाँ पर उनके साथ मुख्तलिफ मुकाबले हो रहे हैं, जिसमें स्पोर्ट्स के मुकाबले हैं, आर्ट के मुकाबले हैं, चेस के मुकाबले हैं, इसके साथ ही साथ यहाँ पर फोटोग्राफी मुकाबले भी हो रहे हैं। मकसद सिर्फ इतना है कि बच्चों की छुपी हुई सलाहियतें बाहर लेकर आएँ, वो इकसानियत भरी रूटीन का शिकार ना हो जाए, बच्चे जान पाए कि दीगर सूबों का कल्चर क्या है, अपने जिस सूबे में रहते हैं उनकी क्या अहमियत है, वो इर्द गिर्द के माहौल से आशना हो सके। इसलिए डिविजनल पब्लिक स्कूल जो है हर साल मेज़बानी करता है इस ओलंपियड की। मेरे साथ इस वक्त प्रिंसिपल मौजूद हैं डीपीएस के शाहिद साहब, उनसे बात करेंगे। बड़ा कंफर्टेबल और बड़ा प्राउड फील कर रहे हैं हम कि अब हम अपनी रिवायात को जो है ना वो बरकरार रखे हुए हैं और इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में भी ऐसे चलता रहे। डीपीएस की रवायात को बरकरार रखे हुए हैं, लेकिन अब बात हो जाए जहां मैं मौजूद हूं उस जगह की। कौन कहता है कि मुसव्वरी में या रंगों के साथ खेलने में सिर्फ लड़कियां ही आगे बढ़ जाती हैं, यहां पर तो लड़कों ने भी ऐसे ऐसे शाहकार बनाए आज कॉम्पिटिशन में कि देखने वाला शशधर रह जाए, अपनी उंगलियां ही होठों में दबा ले, दांतों से नोच ले, इस कदर खूबसूरत इनकी पेंटिंग्स है। इन्होंने लैंडस्केप के मंजर बनाए हैं। मेरे साथ जो बच्चा है वो अपने यूनिफॉर्म के लिहाज से तो किसी कैडेट कॉलेज का लगता है, उसी से बात करूंगी, जानूंगी। हम आर्ट्स में भी काफी एक्सपर्ट होने की ये बात शो करना चाहते हैं और हम यहाँ पे फैसलाबाद यही शो करने आए कि हम पेंट्स कर सकते हैं। बच्चे का कहना है कि फैसलाबाद ये शो करने आए कि अगर वो कैडेट कॉलेज में पढ़ते हैं तो इनका फकत सिर्फ मकसद जो है सरहदों को महफूज बनाना नहीं है, बल्कि ये हर कॉम्पिटिशन में आगे आगे हैं, हर जगह इन्होंने अपनी जो है अपना लोहा मनवाया है, आगे जा रहे हैं, बेहतरीन काम करके दिखा रहे हैं। अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखाए तो यहाँ एक नन्नी बच्ची है, वो अपनी उंगलियों के जरिए अपने कैनवस पे जो है खूबसूरत रंगों को उतार रही है, दिलकशी से वो काम करते दिखाई दे रहे हैं। बच्चों की कसीर तादाद है। आई एम फीलिंग टू मच गुड दैट आई हैव गॉटन चांस टू शो माई टैलेंट हियर। बच्ची है लाड़काना से, बच्चे आए हैं यहाँ पर, बच्चे खासे पुरजोश दिखाई देते हैं कि वो डीपीएस में आए हैं और डीपीएस की जो है शानदार हॉस्पिटैलिटी का वो जरिया बने हैं। यहाँ पर और भी बच्चियाँ हैं मेरे साथ, मिसाल से चिन्योट इस्लामिया स्कूल का दुपट्टा पहने मुझे बच्ची लग रही है, बहुत अच्छा लग रहा है और मैं लैंडस्केप बना रही हूँ। क्या लगता है विन कर जाओगी इंशाल्लाह? अगर ये कंपटीशन विन कर जाती है, एक और बच्ची भी है मेरे पास, उससे बात करेंगे जिसने बड़ी नीट एंड क्लीन पेंटिंग बनाई है। अगर मेरे कैमरामैन अली रजा आपको दिखा सके तो खूबसूरत से ट्रीज हैं, कश्तियां भी बनाई हैं और उसने बड़ा खूबसूरत मंजर पेश किया। मुझे फर्स्ट टाइम मौका मिला है अपने टैलेंट को शो करने का और मैं बहुत खुश हूँ। बहुत खुश है कि वो फर्स्ट टाइम जो है अपना टैलेंट शो कर पा रही है, उसे अच्छा लगा यहाँ पर आके मुसर्रत का इजहार करें। डिविजनल पब्लिक स्कूल में ऑल पाकिस्तान एजुकेशनल ओलंपियड का इनका किया गया है, जिसमें पाकिस्तान के तमाम स्कूलों के तमाम जो सूबे हैं उनके लीडिंग स्कूल और कॉलेजेस के तलबा तालबात ने शिरकत की है। कैमरामैन अली रजा के साथ इकरा मुनीर, सिटी 41।